माया नगरी के कंट्रोवर्सी से वो किस्सा सुनाने वाले हैं जो तब्बू और जग्गू दादा के लाइफ पर है। जी हाँ, बात साल 1986 की है जब जग्गू दादा से यानी कि जैकी श्रॉफ से तब्बू को अपनी इज्जत बचानी पड़ी थी। फिल्म दे दे प्यार दे से तब्बू एक बार फिर अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने वाली है। तब्बू सिलेक्टिव फिल्म में ही करती हैं। काफी समय से उनका कॉमेडी फिल्म करने का मन था। तब्बू का नाम ऐसी हीरोइनों में शामिल है जो क्वालिटी फिल्में करने में विश्वास रखती हैं। तब्बू एक्ट्रेस फराह खान की बहन है। आज हम आपको तब्बू से जुड़ा एक किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जिस पर तब्बू ने तो कभी मोहर नहीं लगाई लेकिन मीडिया में इनकी खूब चर्चा हुई थी। बात साल 1986 का है। तब्बू की बहन फरहा और जैकी श्रॉफ फिल्म दिल जला की शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों तब्बू अक्सर अपनी बहन के साथ सेट पर जाया करती थी। फिल्म में डैनी विलेन के रोल में थे। शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी कास्ट डैनी के घर पर पार्टी किया करती थी। एक दिन फराह अपने साथ तब्बू को भी पार्टी में ले गई। पार्टी में जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। जैकी ने काफी शराब पी रखी थी। इसी दौरान जैकी ने तब्बू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात खुद तब्बू की बहन फराह ने अपने इंटरव्यू में कबूली थी, जबकि तब्बू ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा। फराह ने कहा था कि अगर डैनी बीच बचाव करने नहीं आते तो जैकी सारी हदें पार कर चुके होते। फराह के इस बयान ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। इसके बाद तब्बू ने जैकी श्रॉफ के साथ कभी काम न करने का प्रण लिया। यहाँ तक कि अगर किसी अवार्ड शो में भी दोनों टकरा जाए तो एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। वेल, मी टू के तहत कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने बड़े बड़े निर्माताओं और निर्देशकों की इज्जत उछाल चुकी है। अब ऐसे में तब्बू का चुप रहना कितना हद तक सही है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।